एपिसोड की शुरुआत में साइरो कनाइट बोलता है कि मैं मास्टर साइरो कनाइट हूँ बेलिका फ्यूकस और ये मेरा पार्टनर और पैशन अल्टा ब्रो है जिसके पास गॉड लेवल की स्पीड है। तुम्हारे साथ बैटल करके हमें मजा आएगा मास्टर कीबा। कीबा बोलता है कि सेम हियर, उम्मीद है कि मैच अच्छा जाएगा। अब अनाउंसर बोलता है कि मैच को शुरू करो। अब बेलिका घोड़े के ऊपर बैठकर कीबा पर हमला करता है और कीबा भी उसी तेजी के साथ उसके हमले का जवाब देता है। कीबा उसके हमले को रोक देता है। ये देखकर बेलिका बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक इंसान अल्टा ब्रो की स्पीड को मैच कर रहा है। यस, ग्रैमरिका नाइट तो सचमुच शानदार है। कीबा बोलता है कि वेल मुझे भी तुम्हारी तारीफ करनी होगी कि घोड़े के साथ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन भी शानदार है। अब कीबा बहुत सारी तलवार जमीन में से निकालता है तो अल्टा ब्रो हवा में उड़ जाता है। अब कीबा लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है। अब बेलिका तलवार को छोड़ देता है ताकि वो कीबा के हमले से बच जाए और उसके बाद दो नई तलवारें निकाल कर बोलता है कि तुम्हारे हमले भले कितने भी शानदार क्यों ना हो लेकिन जब तक वो मुझ पर नहीं लगते उनका कोई फायदा नहीं। ऐसा बोलकर बहुत से क्लोन बना लेता है। कीबा एक और तलवार निकाल कर उसके क्लोन से बचने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे अपने कार्ड्स उसे खाने पड़ेंगे। अब कीबा एक और तलवार निकाल कर सोचता है कि बाद में पछताने से अच्छा है कि मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। अब कीबा बैलेंस ब्रेक बोलता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं। कीबा बोलता है कि ये मेरे ग्लोरी ड्रैगन पाइनेकल्स हैं। साइरो का नाइट बोलता है लेकिन तुम्हारा बैलेंस ब्रेक कर तो कुछ और था ना। कीबा बोलता है कि ये मेरी नई टेक्निक है, अब मैं हमला कर रहा हूँ। साइरो का नाइट बोलता है कि मैं भी। अब दोनों बहुत ही तेजी के साथ टकरा जाते हैं और कीबा और उसकी टीम दूसरी तरफ निकल जाते हैं। साइरो की पूरी आर्मी खत्म हो जाती है और वो खत्म होते हुए बोलता है कि एक शानदार हमला। कीबा बोलता है कि तुम्हारा भी। ऑडियंस में सभी लोग खुश हो जाते हैं। अनाउंसर बोलता है कि साइरो का नाइट बाहर हो चुका है, पहला मैच ग्रैमरी पिराज जीत गया। अब देखते हैं कि सेकंड राउंड में क्या होता है। उसके बाद दोनों प्रेसिडेंट अपने अपने डाइस फेंकते हैं, नंबर 10 आ जाता है। रियास की टीम से रोजा विजियर कोने को जाने लगते हैं। रियास बोलती है कि ये मैच में तुम दोनों पर छोड़ती हूं, तो दोनों बोलते हैं कि ठीक है। अब मैदान पर एक आदमी बोलता है कि मैं साइरो का नाइट लिबान हूं और ये हमारा रुक गंडोमा बालम, हम इस मैच में तुम्हारे ओपोनेंट है। रोजा विजय बोलती है कि मेरा नाम रोजा विजय है और ये कोने को, हम दोनों ही रुक पीस है। अनाउंसर मैच को शुरू कर देता है। कोनेको बोलती है कि मैं पूरी ताकत के साथ इन्हें खत्म करूंगी। तभी उसकी दो पूंछे निकल जाती है। अनाउंसर बोलता है कि ये इसकी नई टेक्निक है, नेको माता मोड लेवल 2। इससे बोलता है कि अपना बेस्ट देना कोनेको। अब कोनेको उस रोक वाले बंदे को एक पंच मारकर दीवार पे फिट कर देती है और वहां से हट जाती है। तभी रोजा विजय अपनी पावर के साथ उस पर हमला कर देती है लेकिन उसे ज्यादा कुछ असर नहीं होता। अब वो पोल को उठाकर कोनेको पर हमला करता है। रोजा विजय बोलती है कि ये काफी टफ है। कोनेको एक पंच मार के उसके पोल को तोड़ देती है और उसके पेट पर लगातार पंचों की बारिश कर देती है। पीछे से दूसरा बंदा रोजा विजय को बोलता है कि तुम काफी ओपन हो और अब वो जमीन में धसने लगती है। रोजा विजय बोलती है कि ग्रेविटी बेस्ड अटैक। वही ये सब देखकर रियास बोलती है कि इसका सेकंड गियर ऐसा है कि इसके पास ग्रेविटी का पूरा कंट्रोल है, जब तक कि उस पर देखता रहेगा उसकी ग्रेविटी कहीं नहीं जाएगी। अब लड़ते हुए साइरो का नाइट बोलता है कि मेरा अटैक अभी पूरा नहीं हुआ। वो अपनी पावर के साथ रोजा विजय को जमा भी देता है। रोजा विजय बोलती है कि तुम एक्चुअली में मैजिक स्वॉर्ड्समैन हो। वो बोलता है कि मेरे एक हाथ में मैजिकल एबिलिटीज है और दूसरे हाथ में ये सेकंड गियर। रोजा विजय बोलती है कि आई साइट वाली एबिलिटी की कुछ कमजोरी जरूर होती है। ऐसा बोलकर उसके मुंह पर लाइट मारने लगती है लेकिन वो नाइट अपने बीच में मिरर लाकर बोलता है कि मुझे अपनी कमजोरियों के बारे में सब कुछ पता है मिस। अब रोजा विजय की लाइट साइरो के रुख पर पड़ने लगती है और इसी बात का फायदा उठाकर वो उसके साथ जगह बदल लेती है। अब रोजा विजय कोनेको को बोलती है कि तुम इसके डैमेज को रोकने में मदद करोगी, मैंने उसे ऑलरेडी इतना डैमेज कर दिया है कि वो अपने मैजिकल डिफेंस से अपने आप को नहीं बचा पाएगा। अब कोनेको उनका ध्यान भटकाने के लिए आगे चली जाती है और पीछे से रोजा विजय बोलती है कि तुम दोनों ये लो, अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। और अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है। ये धमाका देखकर इससे बोलता है कि इनसे यही उम्मीद थी। तो कीबा बोलता है कि उसे पता था कि उसके अटैक को रिपेल किया जा सकता है इसलिए उसने पोजीशन एक्सचेंज मैजिक का इस्तेमाल किया। तभी साइरो का साथी अपनी खराब हालत में बोलता है कि मैंने कहा था ना तुम काफी वाइड ओपन हो और उन दोनों को फिर से फ्रीज कर देता है। अब पीछे से साइरो का नुक निकलता है बहुत ही तगड़े तरीके से कोनेको के ऊपर हमला कर देता है। रोजा विजय बोलते है कि कोनेको, तभी वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। रोजा विजय आजाद हो जाती है। अब कोनेको रोजा विजय को बोलती है कि जब तक तुम गेम में हो तब तक हम जीत सकते हैं। अनाउंसर बोलता है कि साइरो का रुक नाइट और रियास क्रैमरी का रुक तीनों बाहर हो चुके हैं। कीबा इससे को बोलता है कि तुम काफी शांत खड़े हुए हो जबकि कोनेको गेम से बाहर हो गई है। इससे बोलता है कि ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन का मैं सही जगह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अनाउंसर बोलता है कि ग्रैमरी टीम भले ही आगे हो लेकिन गेम तो अभी शुरू हुआ है। खैर, अगला डाइस रोल शुरू करो। अब दोनों डाइस को फेंकते और नंबर 8 आ जाता है। तभी साइरो एकदम से बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम कोरियाना को भेज रहे हैं। अनाउंसर बोलता है कि इतनी जल्दी अनाउंस कर दिया, मिस्टर साइरो इसके पीछे क्या रीजन है बताना चाहेंगे? साइरो बोलता है कि वेल अगर हम ऐसा कहें कि हमारे पास योडो इससे कि लेचरस टेक्निक का जवाब है तो तुम्हें कैसा लगेगा? अनाउंसर बोलता है कि वेल ये तो काफी इंटरेस्टिंग डिक्लेरेशन है। डाइहाउजर एजल को बोलता है कि योडो इससे काफी इंटरेस्टिंग है, हर बार वो एक नई एबिलिटी को क्रिएट करता है लेकिन उम्मीद है कि हम उसका काउंटर ऑफेंसिव ढूंढ पाए हैं। इससे बोलता है कि मुझे चैलेंज स्वीकार है। तो रियास बोलती है कि ठीक है तो जाओ। अब इससे जाने लगता है तो ऑडियंस में से सभी बच्चे अबोव ड्रैगन करके उसे चीयर करने लगते हैं। अंदर जाते ही इससे का मैच शुरू हो जाता है। इससे सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने तरीके से इस मैच को जीत के रहूंगा। इससे
लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी कोरियाना अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर इससे बोलता है कि सीरियसली। अनाउंसर बोलता है कि कोरियाना तो इससे को सेड्यूस करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। इससे सोचता है कि ये किस तरह की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी मैं लड़ता रहूंगा, और अब वो अपने टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद इससे बोलता है कि बता वो लेडी अगला क्या करने वाली है। तो उसे पता चलता है कि वो अपने और भी कपड़े उतारने वाली है। ये सुनकर इससे के होश उड़ जाते हैं और वो सचमुच अपने कपड़े उतारने लगती है। अब रियाज इससे को बोलती है कि इससे तुम ये क्या कर रहे हो, उसका अटैक कभी भी आ सकता है। इससे बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उस लड़की पर हमला नहीं कर सकता जो मेरे सामने अंडरस हो रही है। अब इससे मन में बोलता है कि अगली अपनी फ्रॉक उतारो, लेकिन वो अपनी ड्रेस को उतारने लगती है। ये देखकर इससे को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम ये गलत कर रही हो मिस, और उस पर हमला करके उसे गेम से बाहर कर देता है। इससे वापस आ जाता है तो कीबा बोलता है कि ये काफी टेरिबल मैच था। इससे बोलता है कि मां काफी खुश था, लेकिन उसे पहले अपनी फ्रॉक उतारनी चाहिए थी। अनाउंसर बोलता है कि अगले मैच की तरफ चलते हैं, तभी डाइस में नंबर 8 आ जाता है। अनाउंसर बोलता है कि ग्रैमरी पिराज ह्यूडो इससे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनका अगला फाइटर कौन होगा। ज़ेनोविया खड़े होकर बोलती है कि आई थिंक अब मेरी बारी आ गई है। तो रियाज बोलते है कि ठीक है, फिर मैं ये राउंड तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ कौन जाएगा। तभी गैस्पर बोलता है कि आई थिंक मुझे जाना चाहिए। आधे से ज्यादा गेम कम्प्लीट हो चुकी है, हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए यू तो रोजा विज स्ट्रॉन्ग फाइटर है जिनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। रियाज बोलती है कि ठीक है गैस्पर, तुम ज़ेनोविया का सपोर्ट कर पाओगे ना। गैस्पर बोलता है कि हाँ, आखिरकार मैं लड़का जो हूँ और मुझे कोनिको का बदला भी लेना है। इससे बोलता है कि ये हुई ना बात। तो गैस्पर बोलता है कि हाँ। अनाउंसर बोलता है कि अगले मैच के लिए ग्रैमरी फिराज ने लेजेंडरी होली स्वॉर्ड यूजर ज़ेनोविया और वैम्पायर गैस्पर को चुना है। वहीं सैरोग ने रुक लैडोरा और बिशप मिस्टेटा को चुना है। अब अनाउंसर फोर्थ मैच को शुरू करता है। गैस्पर बैट्स में बदल जाता है, वहीं ज़ेनोविया भी उनके ऊपर हमला कर देती है। ज़ेनोविया के हमले से वो किसी तरह बच जाते हैं। उसके बाद मिस्टेटा अपना मैजिक इस्तेमाल करने लगती है, तो गैस्पर बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। इसी वजह से ज़ेनोविया भी उनके हमले से बच जाती है। अब मिस्टेटा बोलती है कि लैडोरा उस नाइट को संभालो, तो वो बोलता है कि ठीक है, और उसके दो ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। रियस बोलती है कि ब्यून ड्रैगन क्लैन को बिलोंग करता है, जबकि बहुत ही कम लोगों के पास ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी है। ये देखकर एजल बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता ऐसा बंदा सायरोग के पिराज में है। इसका मतलब सायरोग इसे तब से ट्रेन कर रहा है जब से इसके पास ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी नहीं थी। ज़ेनोविया बोलती है कि मैं इसे खत्म करने वाली हूँ गैस्पर, क्या तुम थोड़ा सा टाइम दिला सकते हो। अब गैस्पर उसका ध्यान डाइवर्ट करने लगता है। अब ज़ेनोविया अपनी तलवार से बहुत तगड़ा हमला करने लगती है। तभी मिस्टेटा बोलती है कि होली स्वॉर्ड अपनी पावर को सील कर दो। ज़ेनोविया के ऊपर स्पेल का असर होता है, वो बोलती है कि डोरेंडर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अनाउंसर बोलता है कि वैनिश ट्रिक की एक ऐसा सेकंड गियर है जो कि टारगेट की एबिलिटी को कुछ देर के लिए सील कर देती है। अब मिस्टेटा और वो ड्रैगन दोनों मिलकर ज़ेनोविया पर हमला करने लगते हैं कि तभी गैस्पर ज़ेनोविया को वहां से टेलीपोर्ट करके बचा लेता है। ज़ेनोविया बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी, तो गैस्पर बोलता है कि यह सच नहीं है, मैं इस कर्स को रिलीज कर सकता हूँ। वहीं ड्रैगन उसे ढूंढते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें आसानी से बचने नहीं दूंगा। तभी रियस बोलती है कि गैस्पर क्या तुम ज़ेनोविया का कर्स रिमूव कर सकते हो इतने कम टाइम में। गैस्पर मैजिक सर्कल बनाते हुए बोलता है कि इससे की ब्लड की मदद से मैं इसे हटा सकता हूँ, लेकिन इसे हटने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए मुझे बस कुछ टाइम बाय करना होगा। ऐसा बोलकर वह दूसरी तरफ भागने लगता है। रियस बोलती है कि तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम भी छुपे रहो गैस्पर। तो गैस्पर बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, अगर हमें जीतना है तो हमें ज़ेनोविया की स्ट्रेंथ की जरूरत है। अब ड्रैगन बोलता है कि ओ फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया वैम्पायर, तुम दोनों की हालत मैं खराब करूंगा। गैस्पर बोलता है कि मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। अब गैस्पर ड्रैगन की आग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर जाकर गिरता है। ज़ेनोविया बोलती है कि गैस्पर ज्यादा एफर्ट मत लगा, और ड्रैगन बोलता है कि अच्छा तो वो रही स्वॉर्ड लेडी। तभी गैस्पर उठकर एकदम फिर से ड्रैगन के ऊपर कूद जाता है। अब ड्रैगन गैस्पर को पकड़ता है और दीवार में पटक देता है। रियस बोलती है कि प्लीज रुक जाओ। गैस्पर बोलता है कि ये दर्द कर रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मैं ग्रैमरी पिराज का लड़का हूँ और लड़के हमेशा लड़कियों को बचाते हैं। इससे ये सुनकर बोलता है कि गैस्पर, वहीं ड्रैगन बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जा। गैस्पर बोलता है कि ग्रैमरी पिराज के लड़कों का दूसरा रूल है कि वो हमेशा खड़े होते हैं। अब मिस्टेटा गैस्पर पर हमला करके बोलती है कि हार मान लो, तुम हमसे नहीं जीत सकते। गैस्पर बोलता है कि ग्रैमरी पिराज के लड़कों का रूल नंबर 3 कि हम कभी हार नहीं मानते, मुझे ज़ेनोविया को हर हालत में बचाना है। तभी ड्रैगन उसके ऊपर पांव रखकर उसके को चल देता है। गैस्पर बोलता है कि प्रेसिडेंट, वहीं रियास आंखें बंद कर लेती है। तो इससे बोलता है कि प्रेसिडेंट प्लीज अपनी आंखें बंद मत करो, इसे देखो वो अपना बेस्ट दे रहा है। रियास बोलती है कि आई एम सॉरी इससे, और अब वो गैस्पर को देखने लगती है। ड्रैगन बोलता है कि बहादुरी तो तुम में काफी है, लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हें जल्दी रेस्ट नहीं दूंगा। अभी इजना खड़े होकर बोलती है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी, ये मेरी गलती है कि गैस्पर को इतना सब कुछ सहना पड़ा। मिस्टेटा बोलती है कि इसके ऊपर से कर्स हट गया। ज़ेनोविया बोलती है कि मेरा रिजोल्व इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजोल्व के साथ यहाँ पर आए थे, यहाँ पर मैं बस तुम्हारे रिजोल्व को मैच कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर ज़ेनोविया बहुत ही तगड़ा हमला करने लगती है। मिस्टेटा बोलती है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी कि तभी वो फ्रीज हो जाती है। तभी ड्रैगन गैस्पर को देखता है और बोलता है कि फॉरबिडन बैलर वो ऐसा नहीं हो सकता। ज़ेनोविया बोलती है कि तुम दोनों गैस्पर के हाथों हारे हो। ऐसा बोलकर वो तगड़ा धमाका कर देती है। अनाउंसर बोलता है कि सैरो का रुक, बिशप और रियास का बिशप तीनों
बाहर हो चुके हैं। इस वक्त रियस क्रेमरी की टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन साइरो के पास अब उसके ट्रम्प कार्ड ही बचे हुए हैं। तभी डाइस में नंबर 9 आ जाता है, तो अकेनो बोलती है कि मैं जाऊंगी, हमारी ओपोनेंट जरूर क्वीन होने वाली है। रियस बोलती है कि मैं समझती हूँ अकेनो, और अब अकेनो वहां से चली जाती है। कीबा बोलता है कि हमारे जीतने के चांस सबसे ज्यादा तब है जब इससे पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब तुम्हें अपनी ट्रियाना इस्तेमाल करनी होगी, और सबसे बेस्ट यही होगा कि तुम इवेंट के एंड में ट्रियाना का इस्तेमाल करो, इसलिए अकेनो ने यह सोचा होगा कि उसे अभी जाना चाहिए। कीबा आगे बोलता है कि सब लोगों का रिजल्व काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है कोनिक और गैस्पर का मैच देखने के बाद। अब लड़ते हुए अकेनो बोलती है कि जितना मैंने सोचा था तुम तो इससे ज्यादा पावरफुल हो, अगर ऐसी बात है तो ये लो। अकेनो फुल पावर के साथ लाइटनिंग का हमला करती है, लेकिन वो ब्लैक होल क्रिएट करके लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करती है। अब अकेनो के पीछे ब्लैक होल क्रिएट करके वो बोलती है कि मेरे ब्लैक होल इसे कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और अब अकेनो को झटके लगते हैं, वो गेम से बाहर हो जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, तो रियस बोलती है कि शांत हो जाओ, बैटल अब अंत के समय में पहुंचने वाली है, हमें अगले प्लान के बारे में सोचना होगा। अब दोनों डाइस फेंकते हैं, तभी अनाउंसर बोलता है कि फाइनली 12 आ गया है, इसका मतलब अगले मैच में साइरो लड़ेगा। इससे आगे जाने लगता है, तभी कीबा उसे रोककर बोलता है कि इससे अगला मैच लड़ने मैं जाऊं। कीबा आगे बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम और प्रेजेंट एनिमी की फाइटिंग कैपेसिटी पर ध्यान दो। अब वो ज़ेनोविया रोज़ाविज़े को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। ज़ेनोविया रोज़ाविज़े बोलती है कि हाँ। अब कीबा बोलता है कि हम इसी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे प्रेजेंट, हम आपके लिए ये करना चाहते हैं। तो रियास बोलती है कि ठीक है। कीबा जाते हुए इससे को बोलता है कि बाकी सब हम तुम पर छोड़ते हैं। अब मैदान में साइरक बोलता है कि क्या ये रियास का आइडिया है, लगता है उसके डिसीजन काफी मैच्योर हो गए हैं। कीबा बोलता है कि हम ऐसे हार नहीं मानने वाले, रेड ड्रैगन एम्परर के हाथों तुम्हें देने से पहले हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। साइरक बोलता है कि काफी अच्छे शब्द हैं, देखते हैं कितना एंटरटेनमेंट तुम मुझे प्रोवाइड करवा पाते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।